ठहरना, और बालों की तो बिल्कुल हालत खराब हो चाहिए, देख सकते हो गाड़ी में हवा से, मैं भी ठीक कराता हूँ इनको, हल पहुँच कर ठहरना दिखाता हूँ आपको आएगी वीडियो। तो हेलो एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है एक नए दिन के साथ। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है खूबसूरत मौसम के साथ। तो जैसे कि दोस्तों आज अपने इम्तिहान की घड़ी जो बोलते हैं ना दोस्तों इम्तिहान की घड़ी, तो आज अपना फर्स्ट पेपर कॉलेज का, तो एकदम बिल्कुल धक-धक सी हो रही है। हिंदी का पेपर है, काफ़ी हार्ड पेपर है आज, तो खतरनाक कुछ समझ नहीं आया पढ़ाई पे भी। तो फिलहाल दिखाते हैं आपको एक वीडियो बनेगा मेरे साथ। तो फ्रेंड सुबह सुबह एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे पिंपल हो चुका देख सकते हो काफ़ी बड़ा, तो आज ही पेपर था आज ही हो गया, वरना और दिन चेहरा सही था, देख सकते हैं काफ़ी बेकार सा लग रहा है बिल्कुल, यहाँ पे हो चुका है दोस्तों देख सकते हैं। तो फ्रेंड अभी लगभग सुबह के टाइम हो रहा है, लगभग अभी 7 बजे लगभग सुबह के दोस्तों। अभी फिलहाल मौसम बहुत खतरनाक कोहरा लगा हुआ है, अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हो रखा है। फिलहाल मैं हाथ मुँह धोकर तैयार हो चुका हूँ, अभी कपड़े वगैरह पहनते हैं फिर चलते सीधे अपने कॉलेज रानीखेत। तो फर्स्ट पेपर है हिंदी का, देखते हैं कैसा जाता है पेपर। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पेपर अच्छे जाएगा करके, लग नहीं रहा क्या, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि पेपर अच्छे जाएगा, क्योंकि दोस्तों हिंदी इतनी टफ है और पढ़ाई वगैरह कुछ हो नहीं रखी। ओपन वालों की पढ़ाई दोस्तों होती नहीं है, खुद ही हमें करनी पड़ती है। तो फिलहाल देखो हिंदी में क्या होता है इस बार, काफ़ी मुझे मुश्किल लग रहा है कि हिंदी में हम पास होंगे करके। तो दोस्तों देखते हैं कैसे जाता है आज का पेपर, आज वहीं जाके पता चलेगा कि कैसा पेपर आता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल अभी मैं तैयार हो गया आ चुका हूँ, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की गेटअप में जा रहे हैं कॉलेज, और बैग वगैरह अपने साथ है। तो फिलहाल चलते हैं, अभी रोड पर पहुँच चुका हूँ मैं, घर से निकल चुका था, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है, तो एकदम बन ठन के निकल चुका है कॉलेज के लिए, दिखाते हैं आपको आएगा वीडियो। तो फिलहाल पहुँच चुका अभी रोड पे, ये देख सकते हो तो हल्की हल्की बारिश ही पड़ रही है, छोटी छोटी बूंदें कोहरे की, देख सकते हो कोहरा भी आ रहा है साइड को। आई होप कि आई होप कि बारिश ना हो, क्योंकि मेरे पास छाता वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल अभी का सीन कुछ ऐसा है कि धूप भी आ रही है, बारिश का मौसम बना हुआ है। तो चलते हैं अभी, देखते हैं गाड़ी में, चलते सीधा कॉलेज। और आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, वीडियो बने रहेगा, वीडियो पूरी देखिएगा। तो आज हम जाने वाले कॉलेज काफ़ी टाइम बाद, पेपर दोस्तों फर्स्ट पेपर है, काफ़ी डर भी लग रही है, पढ़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो दोस्तों क्या होता है इसके पेपर पे। तो फिलहाल अभी का सीन कुछ ऐसा है। तो फ्रेंड फिलहाल अभी तो गाड़ी वगैरह मुझे कुछ भी नहीं मिली, अभी देख सकते हैं रोड पे हूँ। और दोस्तों अभी बाइक तो फिलहाल है नहीं, क्योंकि बाइक जा चुकी है, बेच दी बाइक उस दिन पहले किसी कारण से। तो फिलहाल अभी देखते हैं गाड़ी का वेट करते कब तक हमें गाड़ी मिलती है, और टाइम से पहुँचना होगा दोस्तों। 12 बजे से पेपर स्टार्ट है, लगभग 11:30 बजे में रानीखेत पहुँचना होगा कॉलेज पर टाइम से। तो देखिए दोस्तों फिलहाल क्या होता है वीडियो पे। अरे काफ़ी कमाल के खूबसूरत से हल्का हल्का फॉग भी लगाया पहाड़ों के बीच, देख सकते हैं यहाँ से ऊपर कुछ नज़र पहाड़ आ नहीं रहे हैं, और सामने वाली साइड को भी काफ़ी फॉग लगा रखा है। तो फ्रेंड काफ़ी देर वेट करने के बाद ही मुझे अभी गाड़ी नहीं मिली है, लगभग 15 मिनट मुझे रोड में आए हुए हो गए हैं। तो फिलहाल भी कोई गाड़ी मिली नहीं है, तो पहाड़ों में ऐसे रहता है गाड़ी की कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कि टाइम टू टाइम यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। तो दोस्तों लगभग सुबह वाली गाड़ियाँ सारी चलेगी, एक दो गाड़ियाँ गई लेकिन वो फुल गई। फिलहाल अभी देखो थोड़ी देर और वेट करते हैं, लगभग 9 बज चुके दोस्तों मुझे, यहीं 9 बजे का टाइम हो चुका है दोस्तों। और फिलहाल देखो 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे बाद पेपर है अपना। और बालों की तो बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है, देख सकते हो गाड़ी में हवा से, मैं भी ठीक कराता हूँ इनको, हल पहुँच कर खेतना दिखाता हूँ आपको आएगी वीडियो। ये अभी फिलहाल मैं मल्ला ग्राम पानी से नीचे आ रहा हूँ, तो ये देखिए दोस्तों खैरना अलमड़ा हाईवे या खैरना रानी का हाईवे। और दोस्तों ये फिलहाल अभी मौसम कुछ ऐसा है, यहाँ का मौसम बना हुआ है बारिश का, देख सकते हैं दोस्तों आगे क्या होता है वीडियो पे। फिलहाल मैं भी वेट कर रहा हूँ बस का, तो देखिए अभी गाड़ी तो जा रही है उधर साइड से रानीखेत, का इसी गाड़ी पर किराया ज़्यादा है, बट मैं सोच रहा हूँ बस में जाने की। तो फिलहाल देखते हैं अभी बस मिलती है नहीं मिलती है, वेट करता हूँ थोड़ी देर 10 मिनट।
1000 years later. तो फ्रेंड अभी लगभग शाम के 5 बजने वाले, 4:30 अभी टाइम हो रहा है, लगभग अभी 4:30 बजे है। फिलहाल मैं घर नहीं पहुँचा हूँ, आधे रास्ते हूँ ऊपर वाले रोड तक गाड़ी में आया, वहाँ से अभी फिलहाल पैदल जा रहा हूँ नीचे को। दिखाता हूँ आपको सामने में जा रहे, तो पेपर का हो गया फिलहाल, आ गया था जल्दी, वहाँ से गाड़ी मिल गई थी। तो लगभग 1 घंटा खैरना आने वाला अगर रानीखेत से, तो फिलहाल अभी पहुँच चुका हूँ अपने गाँव। दिखाता हूँ मेरा गाँव नीचे, तो फिलहाल अभी बहुत ऊपर हूँ मैं गाँव से, मेरा घर काफ़ी नीचे है से। वैसे तो नीचे रोड है लेकिन गाड़ी वाले ने ऊपर ही छोड़ा, तो फिलहाल यहाँ से पैदल जा रहा हूँ। देख सकते हैं नीचे गाँव का यार सामने जा रहे हैं कुछ प्रकार, यहाँ से तो काफ़ी कमाल का भी दिख रहा है चारों तरफ का। ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा गाँव और ये रही नीचे वाली रोड, तो इस रोड के नीचे है मेरा घर। तो चलते हैं सीधे आगे को अब। फाइनली दोस्तों अभी लगभग टाइम हो चुका है, रात के 7 बज चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं घर आ गया था, लगभग आपने देखा कि मैं 4:30 बजे घर पहुंच गया था, तो काफ़ी लेट हो गई दोस्तों, लेट हो गए घर आते आते। तो फिलहाल अभी का सीन कुछ ऐसे है कि अंधेरा हो चुका है बाहर, फिलहाल अभी मैं बैठा हूँ रूम पे, तो थोड़ा पढ़ते हैं, कल भी मेरे पेपर है। तो आज के पेपर तो दोस्तों ठीक ही गया फिलहाल, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टफ है हिंदी अब तो पहले से हमें ईजी लगती थी स्कूल टाइम में, अब पता चला कि हिंदी कितनी हार्ड है दोस्तों, काफ़ी पढ़ना पड़ेगा हिंदी में। इससे अच्छा ईजी सब्जेक्ट हमारे पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी है मेरे, तो उनमें तो दोस्तों कवर हो जाएगा, पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंदी में कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। फिलहाल देखते हैं क्या होता है कल के पेपर में। तो फिलहाल आज का पेपर ठीक ही गया दोस्तों, पास तो हो ही जाएंगे फिलहाल, पासिंग मार्क्स आगे दोस्तों उतने ही बहुत हमारे लिए, क्योंकि ओपन में दोस्तों हमें खुद पढ़ना पड़ता है अपने हाथ से। तो फिलहाल पढ़ते हैं आप कल वाली पेपर की बुक, तो फिलहाल देखते हैं कल के पेपर में क्या होता है और दिखाएंगे आप कॉलेज को। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और देखते रहिए भी पहाड़ी ब्लॉग्स को, फॉलो करना ना भूलें, बड़ा सारे फोल्डर बनाए इंस्टाग्राम पे।